मजबूरी ये है कि भी मेरी फैमिली नूं बहुत औखा होंदा, उन्हां दी फाइनैंशियल प्रॉब्लम चल रही है। मेरे पापा मतलब पहले ठेकेदार सी, शैलर विच काम कर रहे सी, उन्होंने मतलब उदो कुछ पैसे नहीं दिते नहीं गए, तो नाले जदों मतलब लॉकडाउन सी उदों ही उन्होंने मना कर दिता गया भी असीं पैसे नहीं देने। तो 2-2.5 लाख रुपया जिहड़ा उन्होंने कमाया सी, उन्होंने मतलब ठेके ते लाके बंदे काम करवाउंदे सी, उन्होंने सारे नूं पैसे देने सी। इस करके भी असीं आपदा बिजनेस शुरू किया, उधरों पैसे नहीं मिले सानूं, साडे कोल सारे मंगन आंदे सी, फिर सानूं औखा। साडी शॉप उत्थे सबवे कोल सी, उदों छोटी जिही शॉप सी, ते असीं 2000 तों काम शुरू किया सी। अज साडा जूस दा वी काम नाल नाल चल रिहा, ते असीं सारी फैमिली मिल के काम कर रहे हां कि भी जल्दी से जल्दी जिहड़ा लोन लिता होया सी उह भरिया जा सके। ते नाले इस हिसाब नाल भी जे कोई अज कल मतलब बच्चा काम करन लगदा, जां कोई भी 15-20 साल दा भी रखदे आ, तो 4-5 हज़ार तो 5 हज़ार तो घट कोई मंगदा नहीं। तो जिहड़ा सानूं बचदा, जे 5 हज़ार असीं उहनूं दे दांगे, फिर असीं आपदी पढ़ाई विच की खर्च करांगे। तो इस करके मैं आपदे घर नाल आप खुद काम करवाउनी आ, जो भी उह पैसे बचन ते उह मेरी पढ़ाई ते लगा सकन। की पढ़ाई करदे हो? मैं जी बीकॉम फाइनल ईयर विच है। मैं सुबह 7:30 आ जानी हूँ तैयार होकर, उस बाद मैं इतने काम करवा के 8:30, उस तो बाद मैं कॉलेज चल जानी 8:30, फिर मैं कॉलेज तो आके घर, तो घर तो बाद मैं दोबारा 3 बजे इतने आनी हूँ। फिर ईवनिंग टाइम मैं 7 बजे घर जाके काम करके, थोड़ा मोटा काम होंगे रोटी पानी बनाना, फिर स्टडी करके, फिर मैं राती 9:30 आनी हूँ, फिर मैं घर के नाल सारा समान चकवा के रखवा के फिर 10:30 घर जाना। मतलब भी मैं हजे तो मतलब पंजाब पुलिस में फॉर्म भरे आ, बट मेरे को इन्ना टाइम नहीं होंगे कि मैं ट्रेनिंग वगैरह ले सकता, क्योंकि मैंने आपदा दुकान का काम देखना पैंता। मैं तो यही चाहनी भी कोई भी हो मैं गवर्नमेंट जॉब मिले, तो इदा का भी ये भी नहीं क्या भी है ना मैं कोई स्ट्रगल ना करा, तो मैं इतने बैठे बैठाई जॉब मिल जाए। मैं मतलब पूरा स्ट्रगल कर रही हूँ, नाल पढ़ाई नाल काम करती पई हाँ, कि मैं एक्सपीरियंस हो जाए भी किस तरह काम कर, किस तरह डील करीदा। हूँ फाइनल ईयर तो बाद मैं कोचिंग पता की है, कोचिंग करके उस तो बाद मैं जॉब करनी है। सरकार वालों तो मैंने यही अपील है कि उन्होंने अज तक मैं वैसे स्कॉलरशिप भरी से एक बार, बट मैंने स्कॉलरशिप आई नहीं, जोड़ा भी मतलब मैं अगे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हाँ, सारा खर्चा मेरे घर के आपे चुकते हैं कि हूँ इतने मतलब कॉलेज की स्कूल तक तो फिर भी सही सी, बट कॉलेज में जाके फीस तुम्हें भी पता ग्रैजुएशन वगैरह की ज़्यादा हो जाती है। जी अगर मैं सीए करनी सी फीस होर ज़्यादा सी, फिर इस करके मैं बीकॉम में एडमिशन करवाई है भी आपके नाल नाल काम कर दी तो नाल नाल पढ़ रही हाँ। औखा नहीं लगता कॉलेज भी जाने? हाँ जी हाँ जी, औखा तो लगता है, बट देखो मम्मी पापा भी इस एज में इन्ना काम कर रहे हैं भी सानू उन्होंने बारे भी सोचना चाहिए भी उन्होंने भी उम्र हूँ काम करने की नहीं, कि मम्मी की तो खास करके नहीं, कि चलो पापा पापा की भी इन्नी एज होगी हूँ, मैंने आए भी नाल नाल मैं काम कर दी, जल्दी तो जल्दी कोई प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब करा, तो मेरे घर के आराम नाल घर बैठन, तो मैं उन्होंने कमा के खवाव, तो सारे भी मेरे नाल उन्होंने जानन कि भी हाँ इन्हों की कुड़ी है तो जॉब करती है। कि मजबूरी ये है कि भी मेरी फैमिली नूं बहुत औखा होंदा, उन्होंने फाइनैंशियल प्रॉब्लम चल रही है। मेरे पापा मतलब पहले ठेकेदार सी, शैलर विच काम कर रहे थे, उन्होंने मतलब उदो कुछ पैसे नहीं दिते नहीं गए, तो नाले जो मतलब लॉकडाउन से उदों ही उन्होंने मना कर दिता गया भी असीं पैसे नहीं देने। तो 2-2.5 लाख रुपया जिहड़ा उन्होंने कमाया सी, उन्होंने मतलब ठेके ते लाके बंदे काम करवाउंदे सी, उन्होंने सारे नूं पैसे देने सी। इस करके भी असीं आपदा बिजनेस शुरू किया, उधरों पैसे नहीं मिले सानूं, साडे कोल सारे मंगन आंदे सी, फिर सानूं औखा। साडी शॉप उत्थे सबवे कोल सी, उदों छोटी जिही शॉप सी, ते असीं 2000 तों काम शुरू किया सी। अज साडा जूस दा वी काम नाल नाल चल रिहा, ते असीं सारी फैमिली मिल के काम कर रहे हां कि भी जल्दी से जल्दी जिहड़ा लोन लिता होया सी उह भरिया जा सके। ते नाले इस हिसाब नाल भी जे कोई अज कल मतलब बच्चा काम करन लगदा, जां कोई भी 15-20 साल दा वी रखदे आ, तो 4-5 हज़ार तो 5 हज़ार तो घट कोई मंगदा नहीं। तो जिहड़ा सानूं बचदा, जे 5 हज़ार असीं उहनूं दे दांगे, फिर असीं आपदी पढ़ाई विच की खर्च करांगे। तो इस करके मैं आपदे घर नाल आप खुद काम करवाउनी आ, जो भी उह पैसे बचन ते उह मेरी पढ़ाई ते लगा सकन। की पढ़ाई करदे हो? मैं जी बीकॉम फाइनल ईयर विच है। इतने मैं सुबह 7:30 आ जानी हूँ तैयार होकर, उस तो बाद मैं इतने काम करवा के 8:30, उस तो बाद मैं कॉलेज चल जानी 8:30, फिर मैं कॉलेज तो आके घर, तो घर तो बाद मैं दोबारा 3 बजे इतने आनी हूँ। फिर ईवनिंग टाइम मैं 7 बजे घर जाके काम करके, थोड़ा मोटा काम होंगे रोटी पानी बनाना, फिर स्टडी करके, फिर मैं राती 9:30 आनी हूँ, फिर मैं घर के नाल सारा समान चकवा के रखवा के फिर 10:30 घर जाना। मतलब भी मैं हजे तो मतलब पंजाब पुलिस में फॉर्म भरे आ, बट मेरे को इन्ना टाइम नहीं होंगे कि मैं ट्रेनिंग वगैरह ले सकता, क्योंकि मैंने आपदा दुकान का काम देखना पैंता। मैं तो यही चाहनी भी कोई भी हो मैं गवर्नमेंट जॉब मिले, तो इदा का भी ये भी नहीं क्या भी है ना मैं कोई स्ट्रगल ना करा, तो मैं इतने बैठे बैठाई जॉब मिल जाए। मैं मतलब पूरा स्ट्रगल कर रही हूँ, नाल पढ़ाई नाल काम करती पई हाँ, कि मैं एक्सपीरियंस हो जाए भी किस तरह काम करता, किस तरह डील करीदा। हूँ फाइनल ईयर तो बाद मैं कोचिंग पता की है, कोचिंग करके उस तो बाद मैं जॉब करनी है।